नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मानव क्लासेस में। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने अध्याय त्रिकोणमिति के परिचय को, जिसे वो प्रश्नावली है 8.1 क्लास 10th का। देखो, हम इसमें हम क्या कर चुके थे, चार सवाल हम हल कर चुके थे और उसमें हम देख चुके थे पाइथागोरस प्रमेय, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय है, उसको हम जान चुके थे लास्ट की वीडियोज में और हमने उसको हल किया था, उससे आधारित सवाल भी किए थे और उसका हमने त्रिकोणमिति में उसका प्रयोग भी किया था हमने उस प्रमेय का। ऐसे हम अगला सवाल है प्रश्नावली का, sec थीटा। sec थीटा बराबर दिया है हमारे पास में 13/12। अच्छा, हमको एक फॉर्मूला जो हमने याद किया था वो था लाल बट्टे कक्का वाला फॉर्मूला हमने देखा था। उसे क्या किया था, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो थे हमारे 6 के 6, उनकी हमने वैल्यू निकाली थी, उनका अनुपात निकाला था। मतलब जो हमने लाल बट्टे कक्का वाला फॉर्मूला उपयोग किया था हमने लास्ट वीडियो में, उसके हिसाब से हमने सभी त्रिकोणमितीय जो 6 के 6 अनुपात थे उनकी वैल्यू निकाली थी। और हमने एक देखा था पाइथागोरस प्रमेय। देखो, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या था, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये थी हमारी पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो, हमको sec थीटा दिया है और हमसे कहा गया है कि sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा, इन पांचों अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले देखो sec थीटा बराबर क्या है, 13/12। तो हमको जानते हैं sec थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार, क्योंकि sec थीटा होता है cos थीटा का उल्टा, तो क्या हो जाता है, कर्ण बट्टे आधार। यहां से भी हम देख सकते हैं कर्ण बट्टे आधार निकाल सकते हैं। तो हमको किसमें जरूरत है, लंब की जरूरत है। देखो, त्रिभुज है हमारे पास में एबीसी, इसमें हमको दिया है कर्ण दिया है, आधार दिया है, तो किसकी जरूरत है, लंब की। ये हमको लंब निकालना है। लंब किसकी सहायता से निकालेंगे, हम लंब निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो सबसे पहले देखो, इस फॉर्मूले में इन मानों को हम रखते हैं और हमारा लंब ऑटोमेटिक निकल आएगा, हल करते जाएंगे इससे। देखो, कर्ण कितना दिया है, 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग बराबर कितना, आधार का वर्ग मतलब 12 का वर्ग बराबर प्लस लंब मतलब एल का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है, 169। 12 का वर्ग कितना होता है, 144 प्लस एल स्क्वायर। अब जो 144 को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर एल स्क्वायर। जब 169 में तो 144 को जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, 25 बराबर एल स्क्वायर। तुम्हारे पास में आ जाएगा एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25। एल बराबर निकल के आएगा अंडरूट में 25, जो हमारा मान निकलेगा 5। नहीं, लंब बराबर कितना निकलेगा हमारे पास में, 5। तो हमारे पास में जब लंब निकल आया है, कर्ण है, आधार पहले से ही है, तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं, यहां पर देखो sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब देखो त्रिभुज में, देखो एबीसी में लंब क्या है हमारे पास में, 5, कर्ण क्या है, 13, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, 5/13। दूसरा क्या दिया है, cos थीटा, cos थीटा क्या होता है हमारे पास में, cos थीटा, cos थीटा क्या होता है हमारे पास में, आधार बटे कर्ण, तो क्या जाएगा, आधार कितना है हमारे पास में, 12, कर्ण कितना है हमारे पास में, 13। फिर tan थीटा, tan थीटा क्या होता है हमारे पास में, लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारे पास में, 5, और आधार कितना है हमारे पास में, 12, ये 5 और ये 12। cot थीटा, cot थीटा क्या होता है हमारे पास में, आधार बटे लंब, ये कितना है, आधार कितना है, 12, लंब कितना है, 5। cot के बाद देखो sec थीटा का मान तो दिया हुआ है 13/12, तो हम क्या निकालेंगे, सीधे cosec थीटा, cosec थीटा क्या होता है हमारे पास में, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है हमारे पास में, 13, और लंब कितना निकल गया है, 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। छठवां सवाल है, देखो छठे सवाल में क्या कहा गया है, cot थीटा बराबर 7/8। देखो, हम इससे समझ जाएंगे कि वही वाला फॉर्मूला लग रहा है, लाल बट्टी कक्का वाला, सेम वही फॉर्मूला यूज करना है हमें सब जगह। देखो, cot थीटा बराबर क्या दिया, 7/8, 7/8 मतलब cot थीटा क्या होता है हमारा, आधार बट्टे लंब, क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो हमको क्या निकालने की जरूरत है, देखो कर्ण निकालने की आवश्यकता है, तो कर्ण के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना दिया गया है हमारे पास में 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार मतलब 7 का स्क्वायर। तो देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का स्क्वायर होता है 49। जब हम इन दोनों का ऐड करेंगे, ऐड करके कितना आ रहा है देखो, 9 और 4 13 का 3 हासिल लगे 1, 6 और 4 10 और 1 11 113 कर्ण स्क्वायर बराबर। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा अंडूड़ में 113। तो हमारा जो कर्ण निकल के आएगा वो अंडूड़ में 113 निकल के आएगा। तो उससे हम साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, याद करो उसको, साइन थीटा बराबर क्या होता है याद करो जल्दी से उसको, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास में 8, कर्ण कितना है हमारे पास में एक अंडूड़ में 113। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारे पास में 7, कर्ण कितना है हमारे पास में अंडूड़ में 113। देखो पहले का मान निकालते हैं इसमें, और दो सवाल दिए गए हैं, ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये दो सवाल दिए गए, एक ये है और एक कॉट उसके थीटा का मान ज्ञात करो। ये दोनों सवाल हमको क्या करना है, हल करना है, इनका मान निकालना है। तो देखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा कोई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो यही दिया गया है, एक जगह पे बने और बी की जगह पे क्या है साइन थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा जो सवाल दिया गया है इसको हम लिख सकते हैं सीधे, पहले 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा 1 तो वही के वही है, साइन का कितना मान है 8 बटे अंडरूट 13, तो इसका ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखो 1 माइनस 8 बटे अंडरूट में 113 का वर्ग बटे 1 माइनस 7 बटे अंडूर में 113 का वर्ग। देखो ये मान कहाँ से आया, ये मान देखो यहाँ से रखे हैं, यानी कॉस उसके थीटा किया तो हमने 7 बटे अंडूर 13 का वर्ग लगा के उसको हल कर लिया। या देखो हम यहाँ से हल करेंगे इसको आगे, देखो यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ उसको, यहाँ पे रफ करता हूँ, यहाँ पर हल करता हूँ उसको मैं आगे। तो देखो कितना आ जाएगा इसका, हम एलसीएम लेंगे तो अंडरूट में पहले इसको हल करेंगे, 1 माइनस 8 का वर्ग कितना होता है 64, देखो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो एक कितना आ जाएगा 113, और नीचे आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस 7 का वर्ग कितना होता है 49, 49 बटे 113। देखो मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ इस वाले को, यहाँ पे अब इसको हल करेंगे तो 113 माइनस 64 दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, पर 113 माइनस 49 बटे 113 ये आ गया। अब देखो यहां पर हल करेंगे तो ऊपर कितना बचेगा 49 बटे 113। अब देखो ये पलट जाएगी पूरी बिन, इसका गुणा ऐसे हो जाएगा और इसका गुणा ऐसे हो जाएगा, गुणा करना है इसमें, तो ये 113 ऊपर पहुंच जाएगा। और देखो 113 में जब 49 घटाएंगे तो क्या बचेगा 64। तो हमारा जो आंसर देखो 113 का भाग 113 में जाएगा एक बार, यानी 113 से 113 एक बार कट जाएगा तो क्या बचेगा 49 और नीचे बचेगा 64। तो हमारा जो मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 49 बटे 64, ये इसका सही मान हो जाएगा, ये उत्तर। देखो समझो इसको सवाल को, कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ये हमको सवाल दिया गया था, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा जो हमको सवाल दिया गया था वो उसमें क्या आ गया था कि इसके मान का करना है। और हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, वो वाला हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया और साइन थीटा और कॉस थीटा के हमने मान पहले से निकाल चुके थे, उनको हल किया और सिंपल सी कैलकुलेशन की और उसकी मदद से हमने इसका मान निकाला है 49 बटे 64।
अब देखो इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। जो सेकंड पार्ट है हमारा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसको अपनी नोटबुक पर उतार लो, यहाँ से रफ करता हूँ उसको तब तक। देखो सेकंड वाला जो पार्ट है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप इसमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए यानी माइंड चलाओ उसमें कि कॉट उसके थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे। जैसे हमने साइन उसके थीटा निकाला था साइन थीटा से, वैसे हम कॉट उसके थीटा निकालेंगे कैसे, कॉट थीटा से। तो हमारा जो सेकंड वाला है कॉट उसके थीटा बराबर क्या, तो कॉट उसके थीटा बराबर मतलब कॉट थीटा की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दें हम। कॉट उसके कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/8, बस हम इसी का स्क्वायर कर दें तो हमारा क्या निकला है कॉट उसके थीटा। तो 7 का वर्ग कितना होता है 49 और 8 का वर्ग कितना होता है 64, ये इसकी वैल्यू है।